Hello students, in today's video I am going to continue our last topic, that is type of asexual reproduction. बच्चे हमने last video में जो different types पढ़े थे asexual reproduction के, वे थे binary fission. This is binary fission in bacteria, budding, spore formation and fragmentation. हमने फोर टाइप्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, अभी हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में पढ़ेंगे. बच्चे जब किसी प्लांट में रिप्रोडक्शन उसके वेजिटेटिव पार्ट को यूज करके किया जाता है, देन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. नाउ क्वेश्चन अराइज हियर, what are these vegetative parts? Means plant के किस part को हम vegetative parts कहते हैं? Root, stem और leaf. बच्चे ये plant के vegetative part हैं and हम इन्हीं parts को use करेंगे for किसके लिए? For growth of new plant. Okay? इन्हीं parts से new plant grow करेंगे. अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं, जिनमें से जो फर्स्ट मेथड है वो है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन. मीन्स ये नेचुरली होता है. एंड सेकंड जो मेथड है, दिस इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन. फर्स्टली हम नेचुरल मेथड को देखेंगे. प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स न्यू प्लांट के फॉर्म में ग्रो करते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन. अंडर फेवरेबल कंडीशन का मीनिंग क्या हो गया? अंडर सुटेबल कंडीशन. अगर कंडीशन सुटेबल हुई तभी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स न्यू प्लांट के फॉर्म में ग्रो करेंगे. ओके, फर्स्ट हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम. वेजिटेटिव प्रोपागेशन किया जा रहा है किसके थ्रू? मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू. बच्चे यहाँ पे मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम लिखा हुआ है, तो अंडरग्राउंड का मीनिंग सबको पता है, है ना? मॉडिफाइड स्टेम मींस स्टेम जो होते हैं वो मॉडिफाई होकर के वो ग्राउंड के नीचे होते हैं, एंड उस स्टेम से हम क्या कर रहे हैं? न्यू प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं. दैट्स व्हाई वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम. ओके, अब ये मॉडिफाइड स्टेम्स क्या क्या हैं? जैसे कि ट्यूबर इन पोटैटो, बल्ब इन अनियन, राइजोम इन जिंजर एंड कॉर्न इन एलोकेशिया. इन सारे में आपने बर्ड्स देखे होंगे. मैं आपको इसकी पिक शो करती हूँ. आप देखो कि ये क्या है, मेरा पोटैटो है. इनमें क्या होती हैं? छोटी छोटी आप डॉट्स देख रहे हो, दीज आर आई. इसको आई कहा जाता है. एंड इसी जगह पे बर्ड्स अराइज होती हैं, इनमें बर्ड्स ग्रो करते हैं, एंड यही बर्ड न्यू प्लांट बनाते हैं, है ना? तो ये जो हमारा पोटैटो है ये क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है. सिमिलरली एलोकेशिया भी क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम है. एंड जिंजर भी एक मॉडिफाइड स्टेम है. एंड ये स्टेम न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं. क्लियर? सेकंड इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय मॉडिफाइड रूट. अब यहाँ पे हम किस वेजिटेटिव पार्ट को यूज कर रहे हैं? रूट को यूज किया जा रहा है. कुछ प्लांट्स के रूट न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं. एग्जाम्पल क्या है? स्वीट पोटैटो एंड डालिया. बच्चे ये स्वीट पोटैटो एंड डालिया जो है, इट इज़ रूट, मॉडिफाइड रूट हैं, एंड इन्हीं से न्यू प्लांट ग्रो करता है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय मॉडिफाइड रूट्स. बच्चे इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, स्वीट पोटैटो एंड डालिया. थर्ड इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स. अब हम प्लांट के किस पार्ट को यूज कर रहे हैं? लीव्स को यूज कर रहे हैं. तो बच्चे आपने ब्रायोफाइलम की लीफ अगर देखी होगी तो उनकी लीफ इस तरीके से होती है. इनकी मार्जिन पे क्या होती है? यहाँ पे बर्ड्स होती हैं. ओके, यहाँ ये सब जगह क्या होती हैं? बर्ड्स होती हैं. अगर प्लांट का लीफ ग्राउंड पे फॉल कर जाता है then each bud can give rise to a new plant. अब वो जो bud है वो new plant के form में convert हो जाता है. clear? तो ये क्या हो गया?
हमने लीफ को यूज़ किया रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। एंड लीफ हमारा क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्लियर है बच्चे, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वेजिटेटिव प्रोपागेशन को, उसको अच्छी तरीके से लर्न करना है, क्योंकि लाइव क्लास में फर्स्टली आई विल आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन आई विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। क्लियर, थैंक यू।